बेलारूस की सीमा से रॉकेट या मिसाइल दागे जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण निशाना रिवने होगा, ये हम लगातार दर्शकों को बता दें। और अभी जो हम भीड़ देख रहे थे अब फिर से धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा पसरा जा रहा है। और जो तस्वीर आप दिखा रहे थे अभी चेचन्या फोर्सेस की, जो इस समय मौजूद है रूस की सीमा पर और रूस की सीमा के निकट मौजूद है और धीरे धीरे अब वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टुकड़ी उनकी यूक्रेन में मौजूद है और ये तस्वीर बताती है कि रूस अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। लगातार हजारों सैंक्शन लगाए गए हैं लेकिन उसके बाद भी उसका मंसूबा यही है कि वो कीव पर कब्जा करे और उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। মৃদুল শর্মা আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে ছিল, ধন্যবাদ মৃদুল তোমাকে। এবং মৃদুল যেমনটা আমাদের জানালো যে যে কথাটা আমরা বারবার বলছিলাম, আমাদের একাধিক রিপোর্টাররাও সেই ছবি তুলে ধরছে গ্রাউন্ড জিরো থেকে, মৃদুল যে যুদ্ধক্ষেত্রে কভারেজ করতে গিয়ে আহত পর্যন্ত হয়েছিল কিন্তু প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একটার পর একটা এক্সক্লুসিভ ছবি আমাদের জন্য তুলে আনছে। শুধু মৃদুল নয়, আমাদের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট এডিটর শাওন সেন, আমাদের দুজন সিনিয়র এডিটর স্বর্ণালী সরকার এবং অনির্বাণ সিনহা, যারা একেবারে বেলারুশ সীমান্তে রয়েছে, এছাড়া পীয়ূষ আমাদের রিপোর্টার আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আবার আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি মৃদুলের সঙ্গে। মৃদুল কি ছবি দেখাচ্ছে আমরা দেখবো। तस्वीर है क्योंकि आप देखिए ये वो इलाका है जहां पर सायरन ही बजे जा रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक, सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि आधे से एक घंटा छोड़ दें लेकिन यहां लगातार सायरन बज रहे हैं। और लोग देखिए बसों में सवार होकर जाना चाहते हैं, अपने अपने बैग लेकर आ गए हैं। तो जो तस्वीर हम खार्किव से देख रहे थे, सुमी से देख रहे थे, कीव में हमने तस्वीर देखी कैसे बॉर्डर इलाके में लोग बड़ी संख्या में निकलना चाहते हैं, और अब रिवने में भी वही तस्वीर हम देख रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वक्त कोई भी हो सकता है।